यूजर रजिस्ट्रेशन के चौथे भाग में आपका स्वागत है। हम इन प्रक्रियाओं को ठीक से देखते हैं। हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड के लिए सुरक्षा और चेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सचमुच में अच्छा है। यदि मैं भ्रमित हो रहा हूँ तो कृपया मुझे बताएं, मुझे ईमेल करें या यूट्यूब के जरिए कमेंट करें। अपने यूजर को रजिस्टर करने की प्रक्रिया में चलते हैं। पहले हमें अपने डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है। हम अपनी टेबल खोलने जा रहे हैं और अपनी वैल्यूज प्रविष्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि यह बहुत सरल है, अतः सबसे पहले मैं एक सूचना लिखने जा रहा हूं, जो है सक्सेस। अपने पेज पर वापस आते हैं। मैं इसमें वापस जाता हूं और सभी चेक्स जिन्हें हमने पहले बनाया था उन्हें जांचता हूं। अतः मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा और यह दर्शाता है प्लीज फिल इन ऑल द फील्ड्स। यदि मैं विभिन्न फील्ड्स भरता हूं फिर भूल जाता हूं और रजिस्टर पर क्लिक करता हूं, यह अभी भी सूचना दिखा रहा है। अतः मैं एलेक्स टाइप करने जा रहा हूं और मैं अपना यूजर नेम चुनने जा रहा हूं, फिर मेरा फुल नेम टाइप करता हूं और मैं एक पासवर्ड चुनने जा रहा हूं, जो एबीसी है। आगे मैं कैरेक्टरों का मिश्रण टाइप करूंगा, अतः जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूं इसे दर्शाना चाहिए योर पासवर्ड्स डज नॉट मैच। अतः स्क्वायर में वापस जाएं, हम एलेक्स कैरेट टाइप करने जा रहे हैं। हम एक पासवर्ड एबीसी चुनने जा रहे हैं। चूंकि यह 6 कैरेक्टर्स से छोटा है, जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूं पासवर्ड्स मस्ट बी बिटवीन 25 एंड 6 कैरेक्टर्स, अतः यह चेक कार्य कर रहा है। अब मैं फुल नेम के लिए एलेक्स गैरेट टाइप करूंगा और मेरे यूजर नेम के लिए एलेक्स पासवर्ड पूरी लंबाई का पासवर्ड होने जा रहा है, 6 कैरेक्टर्स से अधिक। मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ द यूजर नेम और फुल नेम इज टू लॉन्ग। अतः यदि आप चाहें तो आप इन चेक्स को लिख सकते हैं। मैं यह आप पर छोड़ता हूं। अतः अभी हमें एक सफल फॉर्म प्रमाणीकरण मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने यूजर के पंजीकरण के साथ जारी रहेंगे। अब यह फॉर्म पंजीकरण सही नहीं है, हर बार हमें एक एरर मिलती है, यह फील्ड्स गायब हो जाती हैं, यह चली गई हैं, और यूजर को फिर से टाइप करना होगा। अतः मैं क्या करने जा रहा हूं कि हमें हमारा फुल नेम, यूजर नेम और पासवर्ड वेरिएबल्स मिल गए हैं। इस पेज को ध्यान में रखकर हम यहां इस एचटीएमएल कोड में पीएचपी सम्मिलित कर सकते हैं। अपने फुल नेम के अंदर मैं लिखने जा रहा हूं वैल्यू इक्वल टू बॉक्स के अंदर एक वैल्यू और एक पीएचपी टैग खोलते हैं। अंदर पीएचपी टैग बंद करें। मैं यूजर नेम या बल्कि फुल नेम एको करने जा रहा हूं। मैं अपने यूजर नेम के साथ बिल्कुल वही करूंगा। अतः वैल्यू इक्वल्स ओपन पीएचपी टैग्स क्लोज पीएचपी टैग्स और यूजर नेम एको करें। यह सुनिश्चित करें कि लाइन टर्मिनेटर वहां हो। अब क्या होगा कि मैं यहां यह बेतुका लंबा नाम चुनता हूं और एक यूजर नेम एलेक्स चुनता हूं। यदि आप अपने पासवर्ड्स का संचय होना नहीं चाहते हैं अतः यह यूजर पर छोड़ते हैं। मुझे बहुत बड़ा यूजर नेम मिला है और यह फिर से यह एरर देगा। जब मैं रजिस्टर क्लिक करता हूं इस बार यह हमारा फुल नेम और यूजर नेम रखता है। अतः यह नियम है, यदि आपको एरर मिलती है और आपको आपका यूजर नेम, आपका फुल नेम, आपका पासवर्ड या आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, मुझे नहीं पता आपके यूजर फॉर्म में कितने फील्ड हैं, सब कुछ फिर से टाइप करना हो, अपना नाम बार बार टाइप करना कष्टकर होगा। अतः यह इस्तेमाल करते हैं आपका पीएचपी एको पीएचपी टैग्स के अंदर, आपके एचटीएमएल इनपुट टाइप के वैल्यूज के अंदर, और यह काफी लाभदायक है और उपयोगकर्ता के लिए काफी सुविधाजनक और काफी अधिक यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, अन्यथा सक्सेस एको करें। मैंने अभी तक एक सरल फॉर्म नहीं दिया है, अतः मैं टाइप करूंगा एलेक्स गैरेट और मेरा पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स से अधिक और 25 कैरेक्टर्स से छोटा होने जा रहा है। रजिस्टर पर क्लिक करें। ओह, एक एरर सूचना, चलिए देखते हैं। हमने एरर चयनित की और यदि पासवर्ड की लंबाई 25 से अधिक है या पासवर्ड के स्ट्रिंग की लंबाई 6 से कम है
तो पासवर्ड एको करें। यह काफी है, किंतु हमें अभी भी वही समस्या हो रही है। मैंने अभी ध्यान दिया कि हमारे पास हमारे पासवर्ड की एन्क्रिप्टेड वैल्यू है और हमारा MD5 एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग काफी बड़ा है। यह 25 कैरेक्टर से काफी ज्यादा है। अतः फिर से मैं क्या करूंगा कि कोड के इस ब्लॉक को जो हमारे टेस्ट को एन्क्रिप्ट करता है उसे लूंगा, इसे कट करें और इसे रजिस्टर द यूजर के नीचे लाएं। अतः आप अनुभव से देख सकते हैं कि चीजों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस तरह की एरर्स मिलती हैं, अपने कोड में जाएं, उसे देखें और देखें आप क्या कर रहे हैं। केवल डीबग क्रिया के लिए यूजर चीजों को आपके कोड के बीच में एको करता है। अब मैं अपने फॉर्म में वापस जाऊंगा और मैं अपना पूरी तरह से स्वीकार्य पासवर्ड इसमें टाइप करने जा रहा हूं। रजिस्टर पर क्लिक करें। हमें हमारी सक्सेस सूचना मिल गई। अतः आप देखते हैं, अपने कोड में जाने से आपको सहायता मिलती है यदि उसमें कोई समस्याएं हैं। मैं इन्हें देखने में काफी तेज हूं, किंतु कभी कभी मैं वीडियो रोकता हूं, कोड में देखता हूं और फिर पुनः वीडियो चलाता हूं। मुझे अपने दर्शकों को रोक कर रखना अच्छा नहीं लगता। अतः आप भी जल्द ही अपनी गलतियों को समझेंगे। अतः हमें हमारा सक्सेस मिल गया है और अब हम लिखेंगे ओपन आवर डेटाबेस। यह करने के लिए हमें हमारे कनेक्ट वेरिएबल की आवश्यकता है। नहीं, आपको नहीं है। मैं करने जा रहा हूँ MySQL कनेक्ट और मैं मेरे लोकल होस्ट सर्वर से जुड़ रहा हूँ जो कि मेरा कंप्यूटर है और रूट और मेरा पासवर्ड कुछ नहीं है। मैं करने जा रहा हूँ MySQL सिलेक्ट DB। यह हमारा डेटाबेस चुनने जा रहा है। अतः लिखें सिलेक्ट डेटाबेस, जबकि यह स्पष्ट है यह PHP लॉगिन है और यहां मैं एक क्वेरी देने जा रहा हूं। अतः क्वेरी रजिस्टर यह MySQL क्वेरी के बराबर होने जा रहा है। यह इस ट्यूटोरियल का महत्वपूर्ण भाग है जहां हम वास्तव में अपनी वैल्यूज प्रविष्ट करते हैं और हम हमारा यूजर नेम रजिस्टर करते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं जिससे कि आप यह देख सकें। यह इंसर्ट इनटू यूजर्स है। यदि हम यहां वापस जाते हैं, यह यहां है। PHP लॉगिन हमारी टेबल है जिसे हमें चुनना है। अतः MySQL सिलेक्ट DB PHP लॉगिन और हम यूजर्स में प्रविष्ट कर रहे हैं जो कि डेटाबेस में हमारी टेबल है और हम लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट्स टेबल की प्रत्येक वैल्यू। अतः प्रत्येक फील्ड टेबल में उपस्थित है। अतः यदि हम यहां तक वापस जाते हैं और ब्राउज या स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमें ID, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेट मिलता है। अतः 1 2 3 4 5, यहां भी हमें 1 2 3 4 5 की आवश्यकता है। यदि आपको पिछले ट्यूटोरियल से पता हो, यह आईडी स्वतः से बढ़ती है। अतः हमें इसमें चाहिए क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमारा नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेट मिल गया है। अतः यह केवल नेम यूजर नेम है। यह पासवर्ड रिपीट पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। यह केवल चेक के लिए है और यह डेट होगा। अतः यहाँ यह वेरिएबल्स, यदि आप अधिक सुनिश्चित नहीं है तो यह यहाँ ऊपर है जहाँ हमारे पास हमारे फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेट है। चलिए इसे फुल नेम में बदलते हैं। ठीक है, अतः इसे कार्य करना चाहिए। यह पूरा हो जाने के बाद मैं लिखूंगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड। वास्तव में यह करने जा रहा हूं आई से डाई यू हैव बीन रजिस्टर्ड रिटर्न टू लॉगिन पेज। इसे इंडेक्स पेज में वापस जाने की लिंक बनाएं जहां यूजर लॉगिन कर सके। आप देख सकते हैं कि कैसे यह क्षण में निष्पादित हुआ और यह मेरा पिछला पेज है। चलिए एलेक्स गैरेट लिखते हैं, यूजर नेम एलेक्स चुनते हैं और इसे आपका पासवर्ड यू हैव बीन रजिस्टर्ड रिटर्न टू लॉगिन पेज। अब मैं ब्राउज में मेरा डेटाबेस जांचूंगा। आप देख सकते हैं मुझे एलेक्स गैरेट मिला। मेरी आईडी 3 है, मेरा यूजर नेम एलेक्स है, मेरा पासवर्ड मेरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड है और मेरा डेट दिनांक है। बस इतना ही। अतः अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ चीजों को सुव्यवस्थित करें और लॉगिन क्रिया जांचें। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।